अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और कल मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने शाम को देखी होगी मेरी वीडियो, और आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि कल पेशी थी साबरा की, और उसके बाद जो आकर उसने वीडियो बनाई और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और हालांकि आपने उसकी पहले वाली वीडियो भी देखी होगी, जब वो लास्ट टाइम पेशी से आई थी तो उसने रोते हुए वीडियो बनाई थी। तो अब आप लोगों को झूठ और सच का अंदाज़ा खुद हो चुका होगा। जब पिछली दफ़ा आई थी तो उसने कहा था कि उसकी जो छोटी बेटी है एमन, वो उसे देख के उसने रोने वाला मुंह बनाया हुआ था और वो दूर से देख रही थी उसे। तो इस दफ़ा आकर उसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि वो फिर मुझे रोते हुए मेरे गले से लग गई, मेरे सीने से लग गई। इस दफ़ा तो फिर उसे ऐसा बोलना चाहिए था ना, अगर बच्चे उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं साबरा को देखकर, तो फिर उसे चाहिए था कि वो आकर अपनी ऑडियंस को ये बातें बताती। तो इस बात से तो यही साबित होता है कि जो पिछली दफ़ा उसने कहानी सुनाई थी वो सारी झूठी कहानी थी, खुद साख्ता कहानी थी। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी साबरा के सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी ऑडियंस है, जाकर साबरा से पूछे कि अभी कुछ दिन पहले जब सोनिया ने वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि अगर आप बच्चों से मिलना चाहती हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में मिल लें, तो तब आपने कहा था कि नहीं, अभी कुछ दिनों बाद हम लोग बस एक टीम के साथ जाएंगे और सोनिया लोगों के घर में, और मुझे अब तुम्हारे मतलब एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो मेरे हक़ में आएंगे। और ये सारी बातें उसने की थी, 3-4 दिन का उसने कहा था कि टाइम है और बच्चे मेरे पास आ जाएंगे और अदालत का फ़ैसला हो चुका है, और इस तरह की बातें कर रही थी। तो वो कहानियाँ फिर अभी हम सुनने के लिए बेकरार हैं कि आप कब जा रही हैं फिर बच्चों को लेने के लिए, कब जा रही हैं आप, वो जिसमें वुकला की टीम भी आपके साथ होगी, जिसमें पुलिस वाले भी आपके साथ होंगे, और आपने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं भी साथ चली जाऊंगी, तो वो कब होगा वो सब कुछ, वो जो ड्रामा आपने एक आपके हिदायतकार ने आपको बताया था, जावेद अंकल ने बताया था, वो ड्रामे का सीन फिर कब आप कर रही हैं। हम तो साबरा आपको पहले दिन से, डे फर्स्ट से आपको कह रहे हैं कि मत बातों में आए, जावेद अंकल दुनिया के बेवकूफ़ तरीन इंसान हैं, वो आपको हमेशा गलत मशवरा देते हैं। अगर उस दिन आपने सोनिया की बातें मान ली होती ना, तो आज आपको इतनी ज़्यादा जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर आप मोहतरमा जब पिछली दफ़ा अदालत से आई, फिर उस टाइम भी आपने एक नया ड्रामा बनाया रो धो के, और एक अजीब सा ही ड्रामा बना दिया कि मेरी बेटी एमन मुझे देखकर रो रही थी, और आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश की अपने सब्सक्राइबर्स को, लेकिन उसमें आप बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। और व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर इसकी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई होती तो अदालत से आने के बाद, पेशी से आने के बाद, बच्चे इतना खुश नहीं होते, बच्चे कबूतरों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कहीं सैर करने गए थे या हम उस औरत से मिलने गए थे जो अपने आप को हमारी माँ कहती है, उनको पता ही नहीं है किसी बात का, वो मज़े से कबूतरों से खेल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी बातों से। ये औरत 6 महीनों तक अपने बच्चों से दूर रही है, अब इसके बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसे बिल्कुल भूल चुके हैं, इसके बगैर रहने के वो आदी हो चुके हैं अब। और मैंने सिकंदर भाई की वीडियो देखी है, उसमें उनकी सास कह रही हैं कि हमने अदालत में बच्चों को छोड़ दिया था, फ्री हैंड दे दिया था कि वो जाएं अपनी माँ से मिलें, लेकिन बच्चे नहीं मिलना चाहते तो हम क्या करें। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब बच्चे मिलना ही नहीं चाहते, बच्चे अपनी माँ को, उनको पता ही नहीं है कि ये कौन है, जो छोटा उनका बेटा है मुजम्मिल, वो तो जाहिर सी बात है अब वो तो छोटा था ना, मतलब फीडर पीते हुए बच्चे को आप छोड़ के गई हैं, और 6 महीने का अरसा बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होता है, उसे भूल चुका है कि आप उसकी माँ हैं। और ये जो साबरा ड्रामा कर रही है ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसा वो करने की तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद उसके हक में फ़ैसला हुआ है और हम बेवकूफ़ हैं और हम इसकी बातों में आकर ये सोचेंगे कि ये सच पे है, ये हक पे है, इसका जो निकाह है वो जायज़ है और सब कुछ ठीक है, तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आप इतनी खुश हैं और फ़ैसला आपके हक़ में हुआ है, तो फिर बच्चों को आप साथ में क्यों नहीं लेकर आई, आपकी जीत हो चुकी है तो बच्चे आपके साथ में क्यों नहीं हैं फिर, और बच्चों ने आपके साथ टाइम क्यों नहीं गुजारा, बच्चे आपके पास आए क्यों नहीं,
बच्चे तो नदीम भाई के पास ही रहे हैं, वो तो अपने जो छोटा मुजम्मिल है वो तो अपने बाबा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। और अगर आपकी जीत हुई होती ना तो फिर आंटी लोग इतना खुश नहीं होते, आंटी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे उनके पास हैं और उनकी बातों से सच्चाई नज़र आती है। आप जब मुंह खोलती हैं ना तो हमेशा ऐसे लगता है कि बस अभी मुंह खोला है साबरा ने तो अभी कोई झूठ एक दो निकलेंगे, अभी मुंह खोला है तो अभी एक दो और झूठ निकलेंगे, अभी ड्रामा आएगा, अभी ड्रामा आएगा। तो मत ऐसे किया करें, फिर आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर जावेद अंकल को बहुत बुरा लगता है, वो फ़ौरन से डिलीट कर देते हैं। सिकंदर भाई की वीडियो में उनकी सास बता रही थी, यानी कि सोनिया की अम्मी बता रही थी कि जज ने जब ये फैसला किया ना कि बच्चों की मुलाकात कराई जाए माँ से, और फिर बच्चे नदीम भाई के पास थे, वो खींचती रह गई जो है साबरा है वो बच्चों को खींचती रही है, लेकिन बच्चे उसके पास नहीं गए हैं, वो ज़बरदस्ती उनसे प्यार करती रही है, छोटे मुजम्मिल से ज़बरदस्ती प्यार करती रही है। लेकिन जाहिर सी बात है साबरा बहुत अरसा होता है, 6 महीने का अरसा बहुत होता है, और ये सब कुछ जज की मौजूदगी में हुआ है। जज ने भी मतलब देखा है कि किस तरह से बच्चों ने साबरा के पास जाने से इनकार किया है, ये सब कुछ जज के सामने हुआ है। और अगर ये जज के सामने ये सब कुछ ना हुआ होता ना तो फिर इसका एक नया ड्रामा आना था, इसका एक ये नया ड्रामा आना था कि बच्चों से बच्चों को सिखाया हुआ था या बच्चों को इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे नहीं मिलने दिया, या इस तरह का कोई इसका ड्रामा आता। और आंटी ने मज़ीद ये भी बताया है कि सोनिया ने भी गवाही दी है और साबरा ने भी दी है गवाही, उसने तो पता नहीं क्या ही गवाही दी होगी साबरा ने, बहरहाल जो भी है उसने गवाही दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाविया ने भी अपना मौक़िफ़ रखा है जज के सामने, और उसने बताया है कि मैंने अपने बाबा के पास रहना है, मैंने साबरा के पास यानी कि अपनी माँ के पास नहीं जाना। और जब साबरा ने समाविया को कहा है कि आप मेरे साथ चलो हमारे घर चलो, तो उसने कहा है नहीं मैंने अपने अब्बू के साथ जाना है, मैंने अपने घर जाना है। और फिर साबरा ने कहा कि ये भी जावेद भी तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हारे बाबा हैं, तो उसने कहा नहीं ये तुम्हारे अब्बा हैं, मेरा बाप नहीं है, मेरा अब्बू नहीं है ये। तो साबरा अपने बच्चों का बाप चेंज ना करें, ज़बरदस्ती ना करें उनके साथ, वरना फिर मज़ीद आपकी ही बेइज्जती होगी। और मुझे यहाँ पर एक और भी बात याद आ गई है कि एक वीडियो में इन्होंने ये भी कहा था कि मेरे जो बाबा हैं साबरा के, यानी कि जो साबरा के फादर हैं, वो भी अदालत में जाएंगे और वो भी गवाही देंगे, और कोई वो वाला सीन भी था शायद, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप लोग बताइएगा, कोई ऐसी भी बात थी। तो इनके साथ इनके फादर को जाना चाहिए था ना फिर, अगर ये सच्ची हैं, सच बोल रही हैं, हक पर हैं, तो इनके साथ तो इनके भाई को सबसे पहले होना चाहिए था, इनके फादर को सबसे पहले होना चाहिए था। जो औरत तकरीबन 6 महीनों में अपने बाप को, अपने सगे बाप को कायल नहीं कर सकी, अपने सगे भाई को कायल नहीं कर सकी, ये अवाम कितनी बेवकूफ़ है जो उन्हें माशाल्लाह सुभान अल्लाह के कमेंट्स करती है, ये कितनी बेवकूफ़ अवाम है, मैं अब इनको क्या कहूँ कि वो उस औरत के फादर उसके साथ नहीं है, उसके भाई उसके साथ नहीं है, पता नहीं उसकी माँ के बारे में तो मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो अपने नाम ले चुकी है अपने फादर का कि वो मेरे साथ होंगे और गवाही देंगे, तो हमें तो फिर कहीं पे भी नज़र नहीं आए। और लास्ट टाइम तो जब तुम अदालत से आई थी साबरा बीबी, तब तो तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम्हारी जो बेटी थी छोटी वाली ऐमन, उसका मुंह रोने वाला तुमने इतनी दूर से देख लिया था। तो उसके बरक्स इस दफ़ा तो तुमने बच्चों को ज़्यादा करीब से देखा है, तुम्हें इस दफ़ा तो आके ज़्यादा ड्रामा करना चाहिए था, ज़्यादा रोना चाहिए था कि मेरे बच्चे रो रहे थे, वो मेरे लिए तड़प रहे थे और मुझे बच्चे चाहिए, इस दफ़ा तो तुम्हें ज़्यादा ड्रामा करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा तुमने थोड़ा उल्टा ड्रामा कर दिया है। और वैसे तुम्हें शर्म नहीं आई होगी, तुम्हें उस टाइम पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो बच्चा नदीम भाई की गोद में बैठा हुआ होगा और तुम उसके पास गई होगी, तुमने नदीम भाई को भी फिर से देखा होगा और फिर शायद तुमने फिर पीछे मुड़ के जावेद अंकल को भी देखा होगा, और फिर पता नहीं अपने दिल में तुमने क्या सोचा होगा।
तुमने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, और अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम इतना गलत फ़ैसला ना करती। लेकिन तुम्हारे बच्चों ने ज़रूर सोचा होगा, उन्होंने देखा होगा नदीम भाई को भी, और जो जिसको तुम बाप बनाना चाह रही हो अपने बच्चों का, उसको भी उन्होंने देखा होगा। उन्होंने कहा होगा कि अल्लाह ना करे कि हम इस बंदे के पास जाएं। और साबरा, बिरयानी खाते खाते आपने अपनी वीडियो में ये भी इंकशाफ किया है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे आपसे मुलाकात के टाइम पर, तो हमें वो कंफ्यूजन क्यों नहीं नज़र आई? जिस तरह से लास्ट टाइम आपको एमन की आंखों में आंसू नज़र आ गए थे इतना दूर से, तो इस दफ़ा फिर आपको कंफ्यूजन भी नज़र आ गई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे। और ख़ास तौर पर मुजम्मिल और एमन को देख के तो बिल्कुल ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्हें किसी चीज़ का पता भी है। वो अपनी दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में, जिस तरह बच्चों की एक अलग दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। जो बड़ी बेटी है ना आपकी समाविया, वो परेशान होती है, वो परेशान होती है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ नहीं नज़र आ रही थी। जिस तरह आप कह रही है ना कि बच्चे कन्फ्यूज़ थे, वो कन्फ्यूज़ नहीं है, वो परेशान है, वो आपकी हरकतों की वजह से परेशान है। अक्सर वालदैन अपने बच्चों की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन ये जो बच्ची है आपकी, वो आपकी वजह से परेशान है, आपकी हरकतों की वजह से परेशान है, आपके जो आपने गुल खिलाए हैं, जो आपने कारनामे किए हैं, उन कारनामों की वजह से वो परेशान है, कन्फ्यूज़ नहीं है। कन्फ्यूज़ अगर कोई होता है ना, तो वो जो आपके सामने अंकल हैं, जो आपके हस्बैंड हैं बड़े मुँह वाले, वो कन्फ्यूज़ होते हैं। वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो फादर को एक्स फादर कह देते हैं, तो वो उनको समझाएं कि वो कन्फ्यूज़ ना हुआ करें खामखा में। और आप कह रही थी कि इतने सारे लोग उनके साथ आते हैं जब वो अदालत आते हैं, तो उनके साथ तो जाहिर सी बात है सारे लोग होंगे, क्योंकि वो एक पूरी फैमिली है। आपकी तरह तो नहीं कि आपको तो कोई भी नहीं पूछता, आपके पूरे घर में सिर्फ जावेद अंकल ही आपका वाहिद सहारा है, आपके साथ वही फिर आते जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं उनकी पूरी फैमिली है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं। और ये जो बिरयानी खाते खाते जावेद अंकल अपने बड़े सारे मुंह को खोल रहे थे और कह रहे थे कि सूरत हाल हमारी फेवर में जा रही है, तो हमें तो जाती हुई नज़र नहीं आ रही, हमें तो आपके हक़ में कोई फ़ैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अंकल जी, आप अपने बड़े सारे मुंह को मज़ीद बड़ा करने के लिए बस बिरयानियाँ खाएं और वीडियोस बनाएं और डॉलर कमाएं, जिस तरह गालियाँ सुन के आप डॉलर कमाते हैं, $15 आपको एक वीडियो पे मिलते हैं, तो इसी तरह आप हिम्मत करें और डॉलर कमाते जाएं, उन पैसों से फिर बिरयानियाँ खाते जाएं, साबरा को खिलाते जाएं, और साबरा का मुँह भी अपने मुँह की तरह बड़ा करते जाएं, तो इंशाल्लाह यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और अंकल जी, आप अपनी साबरा की वीडियो में कह रहे थे कि वो लोग सोच रहे थे कि शायद आज फैसला होने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा कि फ़ैसला होने वाला है, साबरा ने सोचा हुआ था कि आज नहीं, बल्कि उसका तो कहना था कि बस 2-3 दिन में फ़ैसला हो जाएगा। जो उसने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें उसने कहा था कि बस हम जो है ना 3 दिन के बाद बच्चों को जो है उनके घर से लेके आएंगे, और मेरे साथ एक टीम होगी, और ये वो इस तरह की बातें की थी। उन्होंने तो ऐसी कोई बातें नहीं की थी, ये आपकी अपनी वाइफ ने इस तरह की बातें की हैं। और आप साबरा को दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं फैसला होने में, तो मैं आपको बताऊँ 1.5 से 2 महीने तो नहीं लग सकते, हाँ 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, या इससे भी शायद ज़्यादा अरसा लग सकता है, क्योंकि अदालती कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जितना टाइम आप बता रहे हैं, इतने दिनों बाद तो पेशियाँ होती हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें फिर। और अंकल जी मज़ीद कह रहे थे कि साबरा जो पिछले 4-5 महीने से तरस रही थी, तड़प रही थी बच्चों से मिलने के लिए, तो वो तड़प और तरस जो है ना हमें आपने दिखाई नहीं दी, फिर आपको तो चाहिए था कि वो वीडियोस हर रोज़ फिर बना बना के दिखाते। आप तो जब आपके व्यूज़ कम हो जाते थे, फिर आप साबरा को कहते थे यार साबरा प्लीज़ थोड़ी सी एक्टिंग कर दो और $15 आ जाएंगे, खैर गालियाँ सुन लेंगे लेकिन $15 तो आ जाएंगे ना, तो फिर वो भी कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बिरयानी की 1-2 प्लेटें खा लेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे, तो उसकी भी फिर वीडियो बना लेंगे, इसलिए वो भी फिर आपकी बातों में आकर एक रोने धोने वाली वीडियो 1-1.5 महीने में जो है ना बना लेती थी। और अंकल जी ना अपने आपको बहुत ज़्यादा सियाना समझते हुए ना ये भी बता रहे हैं कि समाविया ने थोड़ी सी प्रॉब्लम की है, तो अंकल जी प्रॉब्लम उनके तीनों बच्चों ने की है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया अपनी माँ से मिलने से, उन्होंने इसे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, इसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया।
और जब बच्चे अपनी माँ को पहचानने से, अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर रहे हैं, अपनी माँ के पास जाने से इनकार कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में आपको क्या जानेंगे। तो इस वजह से आप जो है ना ये उल्टे सीधे काम करना छोड़ दें और चुप करके अपने ये बनाएं, झूठे मूठे से ड्रामे बनाएं और $15 रोज़ के कमाएं। और व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जावेद अंकल पहले से बता रहे थे कि जो फैसला होगा ना, वो माँ बच्चों को हमेशा पालती आई है और ये वो इस तरह की वो जो तकरीर सुना रहे थे वो, तो देखें जब माँ गलत होगी ना तो जज जो होते हैं वो अंधे नहीं होते हैं, वो कभी भी गलत फैसला नहीं करते हैं। आप कुछ भी कर लें, कितने भी आप बहाने बना लें या कोई भी बातें आप इधर उधर की घुमा फिरा के लोगों के सामने पेश करें, कोई भी आपकी बातों में आने वाला नहीं है। वो जो चंद लोग हैं, बेवकूफ़ जो लोग हैं, उनके सिवा आपकी बातों में आने वाला कोई नहीं है। जब आपके माँ बाप को आप अपनी बातों में कायल नहीं कर सके तो आप लोगों को क्या कायल करेंगे। और साबरा जो इतने मज़े से बिरयानी खाते खाते ये कह रही थी कि बच्चों को उन्होंने इस कदर डराया हुआ था कि मैं काश आप लोगों को दिखा सकती, और इस तरह की जो वो बातें कर रही थी, पूरी मैडम बनी हुई थी। तो मैडम, हम लोगों ने वीडियोस देख ली हैं और जो उनकी वीडियोस से जो हमें नज़र आया है ना, आप जितना भी कहें ना कि बच्चे डरे हुए थे या बच्चों को उन्होंने डराया हुआ था, बिल्कुल भी ऐसा किसी एंगल से भी नहीं लग रहा था। बच्चे बिल्कुल खेल रहे थे, बच्चों को कोई डर नहीं था, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। और इतने छोटे बच्चों को कोई डरा भी नहीं सकता, वो किसी की बातों में आ भी नहीं सकते। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके दिल में अगर आपके लिए ज़रा सी भी मोहब्बत होती या उनको आप याद होती तो वो ज़रूर आपके पास आते, लेकिन उनको आपके होने या ना होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपको भुला चुके हैं। जब फिर बच्चों ने आपको घास नहीं डाला, बच्चों ने आपसे पूछा नहीं, तो फिर अब आप कह रही हैं कि बच्चे डरे हुए थे, बच्चे सहमे हुए थे, बच्चे कन्फ्यूज थे। बस करें, आप बिरयानी खाएं, बिरयानी इंजॉय करें, गोलगप्पे इंजॉय करें, और अपने जो आपका बड़े मुंह वाला हस्बैंड है इसके साथ आप जाएं, वीडियोस वगैरह बनाएं और $15 एक दिन में कमाएं, और सारी ज़िंदगी फिर अयाशी करें, अयाशी अयाशी करें फिर। और आज जो मैं बार बार ये $15 कह रही हूँ ना, ये इसी वजह से इन्होंने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया था ना, ये इन्हीं डॉलर्स की वजह से उठाया था। ये अभी तक की इनकी समझे बेस्ट इनकम आ रही है एक दिन में $15। अभी ये इन्होंने जो है ना इसी तरह की ये ड्रामे कर करके ना, ये दोनों ने, साबरा ने और जावेद अंकल ने, तो इसको $20 पे लेके जाएंगे ये लोग, ये आप लोग देखिएगा फिर। तो ये इसी वजह से मैं बार बार $15 बता रही हूँ आप लोगों को। चलें जी, खैर अब इतनी लंबी सारी वीडियो हो गई, ये बातें बहुत सारी, अभी और भी दिल कर रहा था क्योंकि कल बहुत छोटी वीडियो बनाई थी, तो इस वजह से अंदर बातें रह गई हैं दिल में, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे बातें। और तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।